हेलो बच्चों, लेट अस अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट व्हाट इज यूज ऑफ कंट्रोल रोड्स। तो मुझे यहाँ पे बताना है कि जो कंट्रोल रोड्स होते हैं उनका यूज हम किस प्रकार से करते हैं। जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, हमारे पास जो कंट्रोल रोड्स होती हैं, ये फिगर में दिखाई गई है, ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये कंट्रोल रोड्स हैं, ये कंट्रोल रोड्स है जिसको हम इजिली इन और आउट इसको कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको आउट और इन कर सकते हैं, सिंपली आउट एंड इन, इन एंड आउट इसको कर सकते हैं। सो ये बेसिकली क्या होती है, ये बोरोन की बनी होती है। अगर हम इसमें एक सिंपल सा की कंसेप्ट बोले टू कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन, और सिंपली टू अवॉइड और प्रिवेंट टू प्रिवेंट फ्रॉम फिजन, फिजन से बचने के लिए। तो इसी पॉइंट को हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ए ट्यूब कंटेनिंग ए मेटेरियल सच एज बोरोन, जो ट्यूब्स होती हैं या जो रोड्स हम बोल सकते हैं, ट्यूब्स ऑफ मेटेरियल बोरोन, बोरोन के लिए बेसिकली हम हाफनियम और बोरोन यहाँ पर यूज करते हैं। हाफनियम एंड बोरोन जो रोड्स बने होते हैं वो हाफनियम और बोरोन की होती है। टू कंट्रोल द पावर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर विच वी यूज टू कंट्रोल विच वी यूज टू कंट्रोल पावर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होगी उसकी पावर को कंट्रोल करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। सो इसका काम क्या होता है, बेसिकली इट एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स, ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करती है, इट एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स टू स्टॉप फिजन, फिजन को रोकने के लिए। सो ये उसका यूज होता है कंट्रोल रोड का। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।